नमस्ते, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबर कानपुर से है। कानपुर के न्यू आज़ाद नगर में एक घटना सामने आई है जिसने बहुत परेशान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार शिक्षा के मंदिरों में ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो घटना है वो शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में ही घटी है। आपको बता दें कि 10वीं के एक स्टूडेंट ने कि उसके साथी ने क्लास के अंदर ही चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी लड़की से बातचीत को लेकर झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लड़के ने दूसरे लड़के की हत्या कर दी। और जो उम्र है, आप हैरान हो जाएंगे, जो नीलेंद्र तिवारी जो मरने वाला है बच्चा, उसकी उम्र 15 साल है और जो आरोपी बताया जा रहा है उसकी उम्र 13 साल है। शनिवार को भी इससे पहले दोनों दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ, हालांकि आपस में शांत करवा दिया गया, लेकिन ये जो रसल थी ये चली आ रही थी और दोनों एक दूसरे से बदला लेने पर आतुर थे और उसी की वजह से घटना कहीं ना कहीं घटी है। बताया जा रहा है कि नीलेंद्र की आरोपी से अच्छी दोस्ती थी, इससे पहले वो दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी लड़की को लेकर कहासुनी हुई जिसकी वजह से ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया। और पहले भी जान से मारने की धमकी नीलेंद्र ने जो है दी थी, क्योंकि इससे पहले दोनों के बीच जब झगड़ा हुआ था तो नीलेंद्र की तरफ से कहा गया था कि मैं तुम्हें देख लूँगा, इस तरह की धमकी भरी बात कही गई थी, जिससे कहीं ना कहीं एक फियर भी था। जो मृतक लड़का है उसने ये बात शेयर भी की अपने पेरेंट्स से कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल बदहवास हैं, क्योंकि इकलौता बेटा था और 13 साल, देखिए बहुत 13 और 15 साल की जो उम्र होती है बच्चों की, वो स्कूल में पढ़ाई की उम्र होती है, और ऐसे में स्कूल में शिक्षा के मंदिरों में क्या हो रहा है ये बड़ा ही दुखद है। क्योंकि ये जो आरोपी बताया जा रहा है, जो 13 साल का बच्चा है जिसने ये हत्या की है, वो पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। इससे पहले भी उसने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, अपने साथियों के साथ झगड़ा करना या फिर वायलेंस की घटनाओं में शामिल रहना, ये जो बच्चा है ये इसी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। तो ये खबरें जो हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं कि आप जब स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही अभी इस वक्त जो है बहुत चिंता का विषय है ये कि आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ जाकर किस तरह का बिहेवियर अपना रहे हैं और कैसे उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो आगे बढ़ रही है, ये बहुत सोचने का विषय है। तो अपने बच्चे के जो हाव भाव हैं, उसका जो स्वभाव है, उस पर पेरेंट्स को भी बहुत चिंता की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है, और जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आखिरकार जो बच्चे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। हालाँकि इस मामले में अब जो है धरपकड़ तेज़ हो गई है, इन्वेस्टिगेशंस लगातार चल रही हैं और जो बच्चे के माँ बाप, जो मृतक बच्चा है उसके माँ बाप की तरफ से न्याय की गुहार लगाई जा रही है।